Hello kids, welcome to Kalp channel. Today I am going to explain you the topic Bamboo Curry, which is a part of Unit 1 Class 5 NCERT book Marigold. So let's start. Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आपने कभी भी कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हो? बैम्बू मतलब ये देख सकते हैं, हाँ, बांस. तो बांस, तो बैम्बू, बैम्बू का क्या मतलब होता है? बांस, बांस के आपने पेड़ देखे होंगे, कितनी लंबी लंबी उसके ये होती है, देखिए उसकी जो डंडी है कितनी लंबी होती है, इसीलिए उसे बैम्बू जो है उसे नाम दिया गया है. तो क्या आपने कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हो? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी. तो ये स्टोरी हम पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि बैम्बू से भी डिश बनाई जा सकती है. एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन. और ये कहानी पढ़ने के बाद हम पता करते हैं कि बैम्बू के कौन से पार्ट से हम कुछ बना सकते हैं. विच पार्ट ऑफ बाम्बू कैन बी कुक्ड, मतलब बाम्बू के किस पार्ट से हम खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सैंथल ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम. तो एक दिन की बात है, सासू माँ जो है, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सासू माँ है और ये सैंथल, सैंथल एक प्रकार की जाति होती है, आदिवासी जाति में एक नाम है सैंथल. तो ये जो ब्राइडग्रूम है, मतलब वरवधु, मतलब ये उनके जवाई हैं, तो वो आए हुए हैं, तो ये जो मदर इन लॉ है, उनकी जो सासू माँ है, वो उनके लिए एक स्पेशल डिश बना रही है. व्हेन ही विजिटेड हर, जब उनके जवाई उनके यहाँ आए तो सासू माँ डिश बना रही है. दिस करी इज डिलीशियस. तो जैसे ही वो जवाई जो है उनके वो करी खाते हैं तो उनको बहुत टेस्टी लगती है, तो वो तारीफ करते हैं कि ये करी तो बहुत टेस्टी है. व्हाट इज इट, वो पूछते हैं कि ये क्या है. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर. तो वो जो सासू माँ है वो बाम्बू डोर, मतलब ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं बांस की लकड़ी से बना हुआ है, वो इसकी तरफ पॉइंट अपना उंगली दिखाती है कि देखिए मैंने इससे बनाया है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग का क्या मतलब होता है, अगली सुबह जब वो जा रहे हैं, एज ही वॉज अबाउट टू लिव, लिव मतलब जाना, आप देख सकते हैं ये जो उनके जवाई हैं ये जा रहे हैं और ये दरवाजा खोला उन्होंने. ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. तभी उनको याद आता है कि मेरे गाँव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं, जो ये बांस के जो ये पेड़ है वो उनके गाँव में नहीं है. So he removed the bamboo door. तो उन्होंने क्या किया, वो दरवाजा निकाल लिया. He removed it. Removed का मतलब क्या होता है, हटा देना, और door का मतलब होता है ये दरवाजा जो बांस का बना हुआ है. And carrying it with him left for his home. तो आप देख सकते हो वो दरवाजा अपने सर पर रखकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं. On reaching his village he told his wife. तो जैसे ही वो अपने गांव आ जाते हैं वो अपनी वाइफ से क्या कहते हैं, मेक करी विद दिस बाम्बू डोर, ये बाम्बू डोर है इससे आ करी बनाइए. शी वॉज शॉक. तो ये देखिए उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही शॉक हो जाती है. शॉक मतलब चौंकना, आप चौंक जाते हो ना अचानक, तो वो चौंक गई है कि ये क्या बोल रहे हो. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बाम्बू डोर. तो वो कह रही है कि मैं इस दरवाजे से, ये जो बांबू का दरवाजा है, मैं इस बांस के दरवाजे से करी कैसे बना सकती हूं. कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग एट द बैम्बू ही सेड. तो उनके जो हस्बैंड है वो ये कहते हैं कि मैं आपकी, ये देखिए चाकू है, मैं आपको इस ये चाकू से ये बांस का जो दरवाजा है इसे कट करने में आपको हेल्प कर दूंगा. चॉपिंग मतलब क्या होता है, कट करना. His wife boiled it and boiled it. तो उनकी जो वाइफ है वो देखिए बॉइल कर रही है ताकि उसकी करी बन सके. बॉइल करने का क्या मतलब होता है, उबालना. Later when her husband tasted it he said, जब वो अपने हस्बैंड को वो डिश बनाकर देती है और वो जब उसे चखते हैं, टेस्ट करना मतलब चखना, तो वो कहते हैं it's too hard to eat, you don't know how to cook.
थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही हार्ड है। हार्ड है मतलब कड़क है, ये खा नहीं पा रहा हूं मैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। ये देखिए गुस्से में अपनी वाइफ से कह रहे हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, उसमें और पानी डाला और उसे और बॉइल किया और बॉइल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। लेकिन दोबारा भी वो नहीं खा पा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कड़क लग रही थी और वो नहीं खा पा रहे थे। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो उसी दिन वो लड़की के जो मम्मी डैडी हैं, मतलब जो लड़के हैं उनके सास ससुर जो हैं, वो शाम को उनको विजिट करने के लिए आते हैं कपल को। इवनिंग मतलब शाम होता है, विजिट मतलब किसी के घर हम जब जाते हैं तो उसे विजिट करना बोला जाता है, और इन लॉज का यही मतलब होता है कि सास ससुर। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। तो वो दोनों जो है वो हंस पड़ते हैं दोनों की बेवकूफी को देखकर। फुलिशनेस का मीनिंग होता है बेवकूफी। द मदर इन लॉ सेड, तभी वो सासू माँ कहती हैं, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट। वो जो सासू माँ है वो ये बताती हैं अपनी बेटी को और अपने दामाद को कि क्या आपको नहीं पता कि मैंने जो करी बनाई थी वो बैम्बू शूट से बनाई थी। आप देख सकते हैं शूट मतलब बैम्बू में जो शाखा होती है, जो पत्ते होते हैं, उसको शूट कहा जाता है, बैम्बू शूट, एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। और मैंने बाम्बू के दरवाजे से नहीं बनाई थी। वो जो सासू माँ है वो अपने बेटी और दामाद से कहती है। तो ये थी बैम्बू करी। होप कि मेरा मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग कल्प वीडियोज। थैंक यू।